आप कहे घर चुप कर रहिएगा सर, हमेशा तो हमको रोना ही है, लाश नहीं मिलेगा सर तो न उसका कुछ कर पाएंगे सर। शांति हो, आप उठिएगा सर फिर तो वहाँ जाए सर, आप कुछ लोग कुछ बताइए सर। लड़का भी सर भटक रहा है सर, वो खोज रहा है इधर उधर कि कहीं लाश मिल जाए। गाय भी है सर, तो गाय गोरु भी तो करना है, हमको सर कैसे केस को सर तो पाए नहीं सर, यही चाह रहे कि बेटी भी मर गया सर, केस भी खत्म हो जाएगा, यही सर इस सरकार में होगा। ना सर बेटी का डेड बॉडी नहीं मिला सर, पूरे घर भूखे प्यासे रो रहे हैं सर, इधर उधर खोज रहे हैं। आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि लगे हुए हैं, पुलिस बोलता है लगे हुए। जी सर। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार, मैं अभी आरजेडी ऑफिस के पास हूँ और मेरे पास ये देख सकते हैं 60 साल से ऊपर के बूढ़े हैं। इस बूढ़े जब अपनी बेटी को विदाई किए होंगे तो उस समय भी रोए होंगे, लेकिन जब शादी के बाद, तक शादी के कितने दिन हो गए होंगे? 4 साल जी, 90 में हुआ है। नहीं, 90 में शादी हुआ था, बेटी की शादी कब हुई थी? 4 साल जी हुई है जी, 19 में जी, 2019 में। क्या आदमी है सर, हम सब ना पूछ। ठीक है, तो क्या हुआ आपके बेटी के साथ? क्या हुआ बेटी के साथ सर? हमको तंग कर रहा था, मारपीट कर रहा था, बेटी के डिलीवरी था सर 4-5 महीना या, और उसके बाद सर हम लोग को एक सरपंच के साथ गए सर, और 10 तारीख को 1,00,000 रुपया भी दे के चला कि हम लीमर से रख ला तब फिर कहे इसके कुछ और पहुँचा दीजिएगा, हम कहे कि दे देंगे जो बनेगा सर। बेटी को पहुँचा गए थे, पैसा दे गए थे जी। अच्छा, तो शादी किए थे उसमें भी दहेज दिए थे क्या? जी, बहुत सामान खेत बेच के जी दिए थे। दिक्कत क्या, क्यों मार दिया आपकी बेटी को? अब क्यों मार दिया सर, तंग करते रहता था सर, उसका एगो ननद है सर, वही ज़्यादा हिस्सा उस्सा के फेर में सर कि हमको भी हिस्सा चाहिए, बेटियां सब कहता था सर। अच्छा, वो मतलब बाप में हिस्सा चाहिए? जी सर, वही आके झगड़ा झंझट करते रहता था, अब भैया के बका के भाई वो मारता था, वो मारता था, एगो बगल के भूलन नाम के लड़का था वो मारता था। अच्छा, और इस बेटी के मारने में किसका हाथ है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हाथ है एक ननद का है सर, छोटकी ननद का है सर, यही सब मिल के मारा है, एगो भूलन नाम के लड़का है सर, और राजेश। राजेश कौन है? दामाद हुआ सर। वो आपके दामाद मतलब आपकी बेटी की पति? जी, उसका भी हाथ है, वही मारवे किया है। अब भूलन नाम का एगो गाँवे का लड़का है सर। कहाँ की घटना है, कहाँ की? डिहरी का सर, डिहरा यहाँ सर, बीटा थाना में। बीटा थाना में पड़ता है जी, बीटा थाना में डिहरी गांव। जी सर। गांव केस उस किए हैं आप? जी सर, केस किए हैं सर 13 तारीख को सर। 13 तारीख को केस किए? जी सर। तो आपको डेड बॉडी मिला बेटी का? ना सर, बेटी का डेड बॉडी नहीं मिला सर, पूरे घर भूखे प्यासे रो रहे हैं सर, इधर उधर खोज रहे हैं। आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि लगे हुए हैं, पुलिस बोलता है लगे हुए। जी सर। अभी तक उसको उन लोग अरेस्ट किया है कि नहीं? नहीं सर, अरेस्ट का किसी को नहीं सर अरेस्ट किया है, किसी को अरेस्ट नहीं किया? नहीं सर, और नहीं लाश मिल रहा। जब आप समधियाना जाते हैं, बेटी के घर जाते हैं, तो उसका हस्बैंड या समधी आपको क्या बोलता है आपके बेटी के बारे में? बेटी के बारे में शिकायत करता है, वही पैसा के लिए करता था सर। अब आप बोलते हैं कि मेरी बेटी नहीं, का नहीं सर, सब भागा हुआ है सर, सब घर से भाग गया सर, मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तब ना हम बेटी के घर गए सर, मोबाइल 13 तारीख से उस परिवार का स्विच ऑफ हो गया। आप यहाँ कहाँ भटक रहे हैं आरजेडी? हम सर देहात के आदमी है सर, हमको लोग कहा कि अब यहाँ से तुमको न्याय नहीं मिलेगा, पटना जाओ, इंडिया मीडिया या SP कार्यालय जाओ। क्या नाम हुआ आपका? विनय सिंह। विनय सिंह नाम हुआ। अच्छा, ये बताइए जब थाने में जाते तो आपको बोलता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं? जी सर, बोलता है सर, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है सर, थाने से कोई उम्मीद नहीं है। नहीं सर। आपके बच्चे उच्चे? एक लड़का है सर, एक बच्ची है सर, और तो लड़का, आप जो भटक रहे हैं आपका लड़का साथ? लड़का भी सर भटक रहा है सर, वो खोज रहा है इधर उधर कि कहीं लाश मिल जाए। गाय भी है सर, तो गाय गोरु भी तो करना है, हमको सर कैसे केस को सर तो पाए नहीं सर, यही चाह रहे हैं कि बेटी भी मर गया सर, और केस भी खत्म हो जाएगा, यही सर इस सरकार में होगा। बेटी और बेटा के
बाप के रहते अगर बेटी के साथ ऐसा हो या बेटा के साथ ऐसा हो तो इसी तरह से आंसू निकलता है। कोई बाप आप कहे घर चुप कर रहिएगा सर, हमेशा तो हमको रो रही है, हर लाश नहीं मिलेगा सर तो ना उसका कुछ कर पाएंगे सर। शांति हो, आप उठिएगा सर फिर तो कहाँ जाए सर, आप कुछ लोग कुछ बताइए सर। केस आप क्या चाहते हैं कि आपका दामाद सवाल? अरे जी सर जो भी मिले जी सर जो भी इसमें सब सबको सजा मिले। थाने का नंबर है आपके पास? जी किसी के नंबर है? जी याद ना है क्या लिखे हुए हैं? हम मर जाएंगे गलती में जी आग लगा के, और का के ही होगा सर। नहीं नहीं आप क्यों मरिएगा, आप क्यों मरिएगा, क्या करिए सर। घर जाते तो कहता है कि क्या हुआ, लाश के पता चला। नंबर नहीं, नहीं एक परिवार का नंबर। थाना ना सर होगा सर। दूसरा कागज दिखाइए। ये जो नंबर लगाया गया है ना, ये नंबर दूसरे बार लगा रहे हैं, पहली बार में कॉल नहीं उठा रहे थे वो, ये सेकेंड टाइम मैं कॉल लगा रहा हूँ। थाने का नंबर है और थाने के नंबर इतना वो सिंसियर होना चाहिए कि आपके कॉल आने में 10 से 15 सेकंड के अंदर कॉल उठ जाना चाहिए। कौन व्यक्ति आपको किस तरह से फ़ोन कर रहा है, कितना इमरजेंसी है उस व्यक्ति के साथ। थाना और फायर ब्रिगेडियर ये दोनों जगह वही व्यक्ति नंबर लगाते हैं जो आपातकाल में होते हैं, ये बहुत ही इमरजेंसी केस में होते हैं तब जाके। दो बार लगा चुका हूँ फ़ोन में, दो बार लगा चुका हूँ, आप रिंगटोन सुने भी होंगे, लेकिन थाना फ़ोन नहीं उठा रहा है। बाबा इधर आइए, हम थाना को फ़ोन किए हैं जी, दो बार में फ़ोन किए, दो बार में फ़ोन नहीं उठाया। फिर अगर कॉल बैक आता तो हम बात करके हम रहते हैं तो आप ही कैसे बताइए उपाय। जब आप लोग का ना उठा रहा है हमको तो डांट देगा जी, कह देगा कि कहा बार बार डिस्टर्ब करता। हम दो दिन से आपको यही चाहिए कि आपके बेटी को जो मारा है उसको सजा मिले जी सर, कानूनी सजा मिले जी, जी, जी सर। तब जाके आपको तसल्ली जी जी सर, नहीं तो हम मर जाएंगे सर। बेटी का फोटो है आपके पास? ना सर, मंगवा दे सकते हैं व्हाट्सएप पर सर। मंगवा सकते हैं जी सर। ठीक है, ये देखिए क्या नाम बताए थे आप? प्रीति कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? विनय सिंह। विनय सिंह, ये विनय सिंह हैं प्रीति कुमारी के पिता हैं और इनकी बेटी, एक ही बेटी थी आपकी? ना दो बेटी है सर, छोटी बेटी थी ये, सबसे छोटी थी जी सर, और बड़ी वाली की साथ उसकी जी सर, बेटा एक है जी सर। देखिए दो बेटी और एक बेटा है, सबसे छोटी बेटी थी, प्यारा बेटी थी, प्रीति सिंह के नाम था। और ये व्यक्ति अब न्याय के लिए भटक रहे हैं, थाने में जाते हैं तो थाने वाले बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। 13 तारीख की घटना है और आज हो गया 17 तारीख, यानी 4 दिन बीत चुका है और अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं भी 2 बार फ़ोन लगा चुका हूं और दोनों बार में फ़ोन वो रिसीव नहीं किए, थाने वाले रिसीव नहीं किया। थाने वाले जब 2 बार में रिसीव नहीं करते हैं, अगर कोई घटना घट जाएगी तब जाकर के वो फ़ोन रिसीव करेंगे, तो फ़ोन रिसीव करने से क्या फ़ायदा होगा। तो इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि बेटी के हत्यारे को सज़ा मिले। दर दर भटक रहे हैं, आज RJD ऑफिस के सामने हैं। कोई गाँव वाले इनको बोल देते हैं कि आपको यहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, आप पटना जाइए, पुलिस जो हेडक्वार्टर है या जो वरीय पदाधिकारी उनसे मिलिए, पार्टी पॉलिटिक्स से मिलिए, मीडिया में जाइए, तब जाके आपको न्याय मिलते हैं। हमारा जो कोशिश था कोशिश कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि इस कोशिश से इनको शायद न्याय मिल जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।